गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश टू यूनिट नंबर फोर द वर्ब एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स। सो इन लास्ट वीडियो इन पार्ट नंबर वन वी लर्न अबाउट द वर्ब। सो वर्ब किसे बोलते हैं? तो वर्ब है वो क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, है ना, वो हमें शो करते हैं। ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट के जो नाउन है वो क्या कर रहे हैं तो उसको हम एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं। और काइंड्स ऑफ वर्ड्स में भी हम फर्स्ट काइंड है वो हमने लर्न किया था, जैसे कि रमन रन्स, यहाँ पे वर्ड है रन्स, रन्स यानी भागना, ओके। तो रन्स है वो से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, कोई भी पर्सन थिंग क्या कर रही है वो हमें शो करते हो। ऐसे सभी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, ओके। अब वर्ब के काइंड्स में हम देखें तो एक काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब्स, जो हमने लास्ट में उसकी डेफिनेशन है वो कंप्लीट की हुई थी और एग्जांपल भी हमने देखे थे। तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमने और एक थिंग भी लर्न की थी, कौन सी थी? ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे है जिसमें जो वर्ब है उसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायर होती है। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है? ऑब्जेक्ट है उसकी भी हमने डेफिनेशन देखी थी लास्ट वीडियो में, हाँ। तो जो वर्ड्स है वो वर्ब के मीनिंग में ऐड किए जाए, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोले। यानी ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में पता करना है तो बोट एंड बूम, है ना। तो यहाँ पे जो वर्ब है उसके मीनिंग में हमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने अपने रमन रन्स यानी यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन हम यहाँ पे लिखे द काउज ईट, इससे ये जो सेंटेंस है ये जो वर्ब है उसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। काउज है वो ईट कर रही है लेकिन क्या वो यहाँ पे इनकम्प्लीट है, वो हमें कुछ भी बताया नहीं गया, सिर्फ ईट लिखा। तो ये जो वर्ब है वो ऐसा वर्ब हुआ जिससे हमें बोट यानी उसको कुछ उसके जो सेंस है वो कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो बोथ क्वेश्चन का आंसर मिले वो, है ना। खा रही है, क्या खा रही है? तो ईट द ग्रास। तो ये जो हमने ऐड किया इसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऐड किए जाने वाले वर्ड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है वो कैसे मिलता है? तो बोट और होम क्वेश्चन करने से जो आंसर मिले वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि ईट, ईट यानी खाया, खाती है, क्या खाती है? बोट। तो द ग्रास, तो द ग्रास है वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। सो हमने अब तक ये जो था वो रिविजन देखा, ट्रांजिटिव वर्ड्स वर्ब्स वो एक क्या है, काइंड ऑफ वर्ब, उसमें से पहला काइंड है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब्स जिसको अपना सेंस यानी कि अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो, ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलेंगे। ईट है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब है, लेकिन रन्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है, इसको ऑब्जेक्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, है ना। रमन रन्स व्हाट, तो अगर ऑब्जेक्ट हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके।
read these sentences. Birds fly. तो birds fly, the sun shines, Mary smile, ये जो सभी words है fly, shine, smile, ये जो सभी है वो क्या है verb है. ओके, fly is saying something about the birds, है ना. Shine is say something about the sun, smile say something about Mary. ओके, ये जो सभी है वो verb है. लेकिन ये जो वर्ब है वो ऐसे वर्ब है जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं है. दे डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंस बिकॉज दे कंप्लीट देयर सेंस देमसेल्व्स. वो खुद से ही अपना सेंस है वो कंप्लीट कर लेते हैं. जैसे कि बर्ड्स क्या है, बर्ड है वो उड़ते हैं. बर्ड क्या उड़ते हैं, तो क्या है ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, है ना. सन है वो साइन करता है, क्या साइन करता है, उसमें भी क्या का आंसर मिल ही नहीं रहा है. मेरी स्माइल, मेरी ने स्माइल की, क्या स्माइल की, उसका आंसर भी हमें नहीं मिल रहा है. सो ये जो वर्ब्स ऐसे हैं जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वो खुद से ही अपना सेंस कंप्लीट कर लेते हैं. सो दिस वर्ब्स कॉल्ड द इनट्रांजिटिव वर्ब्स. इसको हम क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब्स. आगे हमने देखा वो ट्रांजिटिव था, ये है इनट्रांजिटिव वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपको एक ही चीज याद रखनी है दोनों में, ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट जरूरी हो ऐसे वर्ब, और इनट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े ऐसे वर्ब्स. ओके, जैसे कि ये जो वर्ब्स है फ्लाई, साइन, स्माइल ऐसे. ओके, तो पहले इन एग्जाम्पल से वो लिख लो, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे. Second kind of the verb is intransitive verb. Okay, so a verb that does not require
इंट्रांसिटिव वर्ब्स, अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ऐसे वर्ब के जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं करते हो, बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, बट लेकिन खुद से ही अच्छा सा सेंस है वो बना लेते हैं, इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब, उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे, अ वर्ब इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, सो राइट द डेफिनेशन इन योर नोटबुक। तो यहाँ पे वो खुद क्या है, यानी कि कोई भी पर्सन है, कोई भी थिंग है, वो क्या है, ऐसा भी बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब से वो, जैसे कि आई एम अ टीचर। यहाँ पे एम आर इज ये जो सभी वर्ब्स है, ये भी क्या है, वर्ब ही है, लेकिन ये जो वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है। सो ये जो वर्ब है वो इंट्रांसिटिव ही वर्ब है, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब है वो क्या है वो भी बताते हैं, जैसे कि आई एम अ टीचर, तो मैं टीचर हूँ। ओके, फिर वी आर फार्मर्स, हम फार्मर्स है, इट इज अ रोज, ये रोज है। So, ये जो है एम इज आर, ये जो सभी है वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स ही कहेंगे, लेकिन इसको हम बोलेंगे बीइंग वर्ब्स। ये जो है वो टू बी के फॉर्म्स है, कौन कौन से है बीइंग वर्ब्स वो हम देखते हैं, उससे पहले ये लिख लो, जो वर्ब्स हमने अभी देखे
वर्ड्स से एम इज आर ये सब सम वो हमें बताते हैं कि समथिंग और समवन व्हाट समथिंग और समवन इज कोई चीज या कोई भी पर्सन क्या है वो हमें बताते हैं। दे आर कॉल्ड बीइंग वर्ब्स और उसको हम क्या बोलेंगे बीइंग वर्ब्स बोलेंगे। तो बीइंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? बोलेंगे ओके। एग्जाम्पल्स हम देखे तो पहले इतना लिख लो आप अपनी बुक में। I am late today. Here is the verb am. Am है वो being verb है। She is 8 years old. तो यहाँ पे being verb है। She is 8 years old. So being verb is. Where are you going, Sita? तो ये जो सेंटेंस है उसमें बीइंग वर्ब कौन सा है? आर। Here is the word art. He was their youngest son. Here is the word is was. वर्ब है वेर। सो एम इज आर आर गोज वेर ये जो सभी है वो क्या है?
बीइंग वर्ब से जो कि इंट्रांजिटिव वर्ब में ही आते हैं, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है वो समथिंग या समवन क्या है वो भी शो करते हैं। और दूसरी एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई एम लेट टूडे, यहाँ पे तो वर्ब है वो सिर्फ एम है, यहाँ पे सी इज 8 years old, यहाँ पे भी वर्ब है वो क्या है इज है। लेकिन इसमें देखो वेर आर यू गोइंग सीता, यहाँ पे आर है साथ में दूसरा भी वर्ब है क्या है गोइंग, ओके तो गो यानी जाना ये भी वर्ब है, मीन्स के बीइंग वर्ब है वो मेन जो वर्ब होता है एक्शन वर्ब होता है उसके साथ में भी आ सकते हैं, जिसको ये जो है वो मेन वर्ब को हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है, बीइंग वर्ब है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज होते हैं, ओके जैसे कि सेला एंड हर ब्रदर आर स्टिल स्लीपिंग, यहाँ पे स्लीपिंग है उसको हेल्प कर रहा है आर, ओके मेन वर्ब है स्लीप उसके साथ में हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सा आया आर, आर है वो समथिंग और समवन क्या है वो भी दिखाता है और अलग अलग टेंस में उसके यूज के हिसाब से एज अ हेल्पिंग वर्ब भी बीइंग वर्ब से वो यूज होते हैं। ही वॉज देयर यंगेस्ट सन, यहाँ पे वॉज सिर्फ एक ही वर्ब है, दे वेर एंग्री ऑन हिम, यहाँ पे भी क्या है वेर है वो वर्ब है, सो एग्जाम्पल से वो आप अपने बुक में लिख लो और बीइंग वर्ब है वो आपको याद रखने हैं। बीइंग वर्ब यानी टू बी के फॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो एम मीन्स आर, वॉज वर्ब, बी बीइंग और बीन, ये जो सभी है उसको हम बीइंग वर्ब बोलेंगे, ओके सो राइट दिस एग्जाम्पल्स इन योर बुक। So we learn about transitive verbs and intransitive verbs. और intransitive verbs में भी being verbs भी हमने सीखे, ओके तो ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स क्या याद रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब्स जिसको अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर हो ऐसे वर्ब्स, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ये जो वर्ब ऐसे वर्ब है जिसको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट रिक्वायर नहीं होता है, दे मेक दिस गुड सेंस बाय themselves, वो खुद से ही अपना अच्छा सा मीनिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ओके और इसमें भी हमने बीइंग वर्ब्स देखे जिसमें एम इज आर, वॉज वेर, वो एम इज आर है वो प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होगा उसके लिए यूज होते हैं, और जो वॉज और वेर है ये दोनों है वो क्या है पास्ट में यूज होने वाले है ना, जैसे कि मैं अभी टीचर हूँ तो आई एम टीचर, मैं अभी टीचर हूँ लेकिन पास्ट में मैं टीचर नहीं थी, आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं तब टीचर नहीं थी, जब पास्ट में कुछ था ऐसा बताने के लिए हम वॉज और प्लूरल हो तो हम वेर यूज करते हैं,
ओके, तो इतना हमने यहाँ तक सीखा। और एक काइंड है वर्ब्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। सो जितना भी आपने सीखा है वो सब आपको रिवाइज करते रहना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।